बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र में सेक्टर 8 के आवास संख्या 2541 में बच्चे के बर्थडे के पार्टी के अवसर पर धनबाद से अपने परिवार सहित चलकर आए राजीव कुमार देव ने अपने साले के घर पहुंचे। उनका 1.5 साल का बच्चा आदर्श कुमार देव सड़क किनारे खेल रहा था और घर के सदस्य बर्थडे पार्टी में जुटे हुए थे। इसी बीच संतोष यादव नामक युवक टेम्पो लेकर सड़क से गुजर रहा था और सड़क पर बच्चे को अकेला देख टेम्पो में मासूम बच्चे को बैठा लिया और 9:02:11 हो गया। बच्चे को कोई दिखाई नहीं देने पर घर वाले बच्चे की खोज में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद अपहरण किया हुआ बच्चा टेम्पो चालक के पास देखा गया। स्थानीय लोग बच्चा चोर समझकर टेम्पो चालक की पिटाई करते हुए अपहरण में शामिल संतोष यादव को हरला पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार टेम्पो चालक को जेल भेजने के काम में जुट गई। वर्तमान समय में पुलिस की मदद से मासूम आदर्श कुमार देव को बरामद कर लिया और बच्चे को उसके माता पिता के हवाले कर दिया। बोकारो से ब्रिजभूषण द्विवेदी की रिपोर्ट। मैं राजीव कुमार देव जिला का रहने वाला। कल दिनांक 4/12/2018 को मैं बोकारो अपने साला के पुत्र के जन्मदिन पर बोकारो लगभग शाम 7 बजे पहुंचा था। उसी क्रम में पार्टी की तैयारी चल रही थी। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखे कि मेरा जो बेटा 1.5 साल का आदर्श कुमार है वो घर में नहीं था। मैं तुरंत घर से बाहर जैसे ही गया, मुझे कोई एक दूसरा लड़का आके बताया कि एक छोटा बाबू को टेम्पो वाला उठा कर ले गया। मैंने उसे पूछा कि किस तरह ले गया है, तो वो बताया कि सीमान मोड़ के तरफ ले गया। मैंने तुरंत वहीं पर लगी एक बाइक लेकर मैंने उस टेम्पो वाला का पीछा किया। सीमान मोड़ के नज़दीक मैंने उस ऑटो चालक को पिकअप किया, पकड़ा और उसी से मैंने अपना बेटा प्राप्त किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहीं आदमियों का भीड़ लग गया, हरला थाना को सूचना दिया गया। हरला थाना तुरंत आए, अपराधी को गिरफ्त में लेके हरला थाना ले गए। टेम्पो का चाबी भी मैंने हरला थाना को दे दिया। बर्थडे पार्टी में हम लोग यहाँ आए थे धनबाद से, ठीक है। उसके बाद विभाग से आए थे, जस्ट घुसे हैं, उसके बाद बच्चा खेलते खेलते निकल गया। उसके बाद निकल गया, हम लोग तो अंदर में सब थे। बगल का एक आदमी है, वो आके बोल रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ से निकला है। तो हम लोग पूरा खोजने लगे सबको। उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरे भैया लोग सबको ही मने चले गए खोजने के लिए। सीमान मोड़ बोला कि सीमान मोड़ लेके गए। उसके बाद खोजने के लिए गए तो वहाँ पर एक ऑटो में इसको रखा गया था। उसको पकड़ के मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के साथ जो घटना घटी है वो दूसरे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए मैं पुलिस से अनुरोध करती हूँ, प्रशासन से अनुरोध करती हूँ कि इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आगे चलकर किसी दूसरे बच्चों के साथ ये इस तरह का घटना ना घटे। 7089399 दी होप हॉस्पिटल 24 घंटे आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा से युक्त अनुभवी और ख्याति प्राप्त चिकित्सकों द्वारा हर प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज। होप अस्पताल में हृदय संबंधित बीमारी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, शिशु रोग, किडनी रोग, पेडियाट्रिक यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, फिजियोथेरेपी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन व स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवा प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हर प्रकार की बीमारी का संपूर्ण इलाज अस्पताल के आधुनिक चिकित्सकीय मशीन, सीटी स्कैन, एक्सरे, ओपीजी, इको, टीएमपी, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, बायोस्कोपी, स्किन ग्राफ्टिंग, डायलिसिस, आईसीयू, एनआईसीयू, एचडीयू के द्वारा किया जाता है। हमारा पता है दी होप हॉस्पिटल, रांची रोड, रामगढ़। संपर्क करें। कश्मीरी उलेन मेला आपके शहर में पहली बार उलेन फैशन को लेकर सीधा कश्मीर से चलकर आ गया। कश्मीरी गर्म कपड़ों का विशाल भंडार सिर्फ आधे दामों पर 50% की भारी छूट के साथ। हमारे यहाँ फैंसी शॉल, स्टॉल, लेडीज जैकेट, लेडीज कार्डिगन,
जेंट्स स्वेटर, जेंट्स जैकेट, उलेन बाबा सूट, कोरियन कंबल, जयपुरी रजाई के साथ साथ उलेन वस्त्रों का विशाल संग्रह, वो भी आकर्षक दामों में। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ 100 रुपए में 3 मफलर, 100 रुपए में 3 बेबी कंबल, साथ ही साथ 100 रुपए में 2 लेडीज शॉल भी उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता मेन रोड सुभाष चौक के निकट पायल होटल के नीचे दुर्गा मंदिर के सामने रामगढ़ कैंट रामगढ़। जल्दी करें, ये डिस्काउंट सीमित समय के लिए।